नेक्स्ट, नाउ कॉन्जुगेट के बाद हम देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा क्या होता है. नाउ व्हेन आई से अलजेब्रा तो उसमें चार प्रोसेसेस आते हैं. वन इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो हम देखते हैं कि कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने रियल नंबर्स में देखा था. सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है. उसमें मैं फर्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको कहते हैं एडिशन. अभी अलजेब्रा परफॉर्म करने के लिए हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर लगेंगे. सो हम पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अज्यूम करते हैं. सो लेट्स से जेड वन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आई वाई वन एंड जेड टू इज इक्वल टू एक्स टू प्लस आई वाई टू. तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम स्टार्ट करेंगे. सो एडिशन मतलब दो नंबर्स को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें ऐड करना है. सो जेड वन प्लस जेड टू. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप देखें तो उसमें दो पार्ट है, रियल एंड इमेजिनरी. सो एडिशन का रूल है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड किया जाता है. सो जेड वन और जेड टू में रियल पार्ट है एक्स वन एंड एक्स टू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऐड एक्स वन विथ एक्स टू. देन इमेजिनरी पार्ट है आई वाई वन एंड आई वाई टू. इन दोनों को मैं ऐड करूँगा. सो इमेजिनरी पार्ट में से आई कॉमन आता है तो हमें मिलेगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस आई कॉमन वाई वन प्लस वाई टू. सो दिस इज एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. लेट्स से आई हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एज थ्री प्लस टू वाई एंड जेड टू एज फाइव प्लस सिक्स. इफ आई वॉन्ट टू ऐड दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन एज पर आर रूल वी विल ऐड रियल पार्ट फर्स्ट. सो थ्री प्लस फाइव इट विल गिव मी एट एंड इमेजिनरी पार्ट इट मीन्स टू आई प्लस सिक्स आई इज इक्वल टू एट आई. सो एडिशन ऑफ दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एट प्लस एट आई. सो दिस इज एडिशन प्रोसेस. सिमिलरली वील परफॉर्म सब्ट्रैक्शन प्रोसेस. नाउ सब्ट्रैक्शन मतलब जेड वन माइनस जेड टू. सो इफ वी वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन द रूल इज सब्ट्रैक्ट रियल पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इट विल गिव मी एक्स वन माइनस एक्स टू एंड आई इंटू वाई वन माइनस वाई टू. सो आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट किया है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट किया. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. सो लेट्स से जेड वन इज इक्वल टू एट प्लस सिक्स है एंड जेड टू इक्वल टू फोर माइनस थ्री है. अगर मुझे इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है सो एज पर द रूल आई विल सब्ट्रैक्ट एक्स वन, आई विल सब्ट्रैक्ट एक्स टू फ्रॉम एक्स वन. सो एट माइनस फोर प्लस आई. देन आई विल सब्ट्रैक्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस थ्री आई. इट मीन्स माइनस थ्री आई विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम सिक्स. सो इट विल गिव मी फोर प्लस दिस इज नाइन आई. सो सब्ट्रैक्शन ऑफ एट प्लस सिक्स आई एंड फोर माइनस थ्री आई इज फोर प्लस नाइन आई. इट्स सो सिंपल. नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट इज स्टेप नंबर थ्री दैट इज मल्टीप्लीकेशन. सो अभी तक हमने देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली मल्टीप्लीकेशन में करना क्या है. सो
z1 मल्टीप्लाइड विथ z2. सो z1 का वैल्यू है x1 प्लस iy1 एंड z2 का वैल्यू है x2 प्लस iy2. सो जब भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तब हम कन्वेंशनल मेथड को फॉलो करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू इट वी विल मल्टीप्लाई द होल ब्रैकेट विद द सेकेंड नंबर. सो ये बन जाएगा x1 x2 प्लस i x1 y2. अभी मैं iy1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा. सो iy1 इंटू x2 इज प्लस iy1 x2 एंड iy1 इंटू iy2 विल गिव मी i² y1 y2. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक नया नंबर मिला है, दैट इज i². सो हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, तब मैंने आपको बताया था द वैल्यू ऑफ i इज √-1. सो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड i², सो i² इज नथिंग बट i into i. सो इट विल बिकम √-1 इंटू √-1 विच विल गिव मी -1. सो i² का वैल्यू हो गया -1. तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस ix1 y2 प्लस iy1 x2 माइनस y1 y2. अभी करना क्या है, जो रियल पार्ट है उनको एक साथ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ करेंगे. तो यहाँ पे x1 x2 रियल है, -y1 y2 रियल है, मैं उनको एक साथ लिखता हूँ. सो x1 x2 -y1 y2 प्लस i, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट को मैं अभी ऐड करने वाला हूँ. सो i एंड ब्रैकेट में x1 y2 प्लस y1 x2. सो दिस इज रिजल्ट ऑफ z1 इंटू z2. तो अब हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. सो लेट्स से z1 इज इक्वल टू 8 प्लस i एंड z2 इज इक्वल टू -4 माइनस i. इफ आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई z1 विद z2, इट विल गिव मी 8 प्लस i इंटू -4 माइनस i. सो 8 इंटू -4 इज -32, 8 इंटू -i इज -8i, i इंटू -4 इट इज -4i एंड i इट मीन्स प्लस i इंटू -i इज -i². सो आई विल गेट -32, एडिशन ऑफ दिस इज -12i, माइनस एन एज इट इज i² इज -1, सो आई विल गेट दिस इज +1, सो आई विल गेट -32 +1 इज -31 -12i. सो दिस इज आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर 8 प्लस i एंड -4 -i. इसके बाद अलजेब्रा में लास्ट प्रोसेस बाकी है विच इज कॉल्ड एज डिवीजन. सो डिवीजन के लिए हम करेंगे z1 अपॉन z2 को. सो z1 अपॉन z2 अगर मैं करूं, सो मुझे मिलेगा x1 प्लस iy1 एंड डिनोमिनेटर में x2 प्लस iy2. नाउ अगर हम यही डिवीजन रियल नंबर में कर रहे हैं, सो हम नॉर्मली करते क्या हैं कि हम न्यूमरेटर के डिजिट को या न्यूमरेटर के नंबर को हम डिनोमिनेटर के नंबर से डिवाइड करते हैं. बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज़ नॉट रियल, सो वी कैन नॉट परफॉर्म डिवीजन डायरेक्टली. तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इस डिनोमिनेटर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब हम इसके कॉन्जुगेट से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, द रीज़न इज कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर है और आई विल से डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो यू कैनॉट डिवाइड एनी नंबर इन द न्यूमरेटर बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द डिनोमिनेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्रोसेस रहेगा कि इस डिनोमिनेटर के नंबर को मैं रियल नंबर में कन्वर्ट करूँ. सो वो कन्वर्ट करने के लिए मैं रैशनलाइज करूँगा और रैशनलाइज करने के लिए मैं यूज़ करूँगा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट. सो
यहाँ पे एक्स टू प्लस आई वाई टू का कॉन्जुगेट है एक्स टू माइनस आई वाई टू। तो जैसे मैंने कहा कि मैं रैशनलाइजेशन करूँगा, सो एक्स टू माइनस आई वाई टू, तो यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्स टू माइनस आई वाई टू। आप सबको तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस पता ही होगा। सो अकॉर्डिंग टू रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स टू प्लस आई वाई टू इंटू एक्स टू माइनस आई वाई टू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्कूल लेवल का एक नॉर्मल अलजेब्रा का फॉर्मूला है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, जिसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा एक्स टू स्क्वायर माइनस आई वाई टू द होल स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमरेटर में आप देख सकते हो कि वहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट डिवीजन के पहले हमने जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस देखा वही रूल अप्लाई करूँगा। इट मीन्स आई विल मल्टीप्लाई द सेकेंड ब्रैकेट विद द फर्स्ट नंबर देन अगेन द सेकेंड ब्रैकेट विद द सेकेंड नंबर। सो आई विल गेट एक्स वन एक्स टू, नेक्स्ट एक्स वन इंटू माइनस आई वाई टू इज माइनस आई एक्स वन वाई टू, नेक्स्ट मल्टीप्लाई दिस होल ब्रैकेट विद आई वाई वन, सो आई विल गेट प्लस आई वाई वन एक्स टू, नेक्स्ट प्लस आई वाई वन इंटू माइनस आई वाई टू इज माइनस आई स्क्वायर वाई वन वाई टू। तो ये हो जाएगा एक्स वन एक्स टू, देन ये दो नंबर में आप देख सकते हो इट इज़ इमेजिनरी, आई विल टेक इट टुगेदर विथ वेयर आई इज कॉमन। पॉजिटिव पार्ट को मैं पहले लिखता हूँ तो हो जाएगा वाई वन एक्स टू, फिर मैं नेगेटिव पार्ट को लिखता हूँ माइनस एक्स वन वाई टू, और इन दोनों में से मैंने आई को कॉमन लिया है। नेक्स्ट आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो माइनस माइनस प्लस वाई वन वाई टू अपॉन एक्स टू स्क्वायर इज एक्स टू स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस एज इट इज आई स्क्वायर एंड वाई टू स्क्वायर। सो नेक्स्ट रियल पार्ट एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू को मैं एक साथ करता हूँ, तो एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू एंड इमेजिनरी पार्ट जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है प्रीवियस स्टेप में वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू। अभी आता है डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं कि आई स्क्वायर होता है माइनस वन, सो माइनस माइनस प्लस हमें मिलेगा एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमें रियल नंबर मिल गया। अभी हम डिनोमिनेटर में जो रियल नंबर मिला है उससे इस न्यूमरेटर के नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर का नंबर रियल है एंड वी कैन डिवाइड एनी नंबर बाय एनी रियल नंबर। सो ये हो जाएगा एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू अपॉन एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस आई, नाउ आई विल डिवाइड द सेकेंड पार्ट विद द डिनोमिनेटर, तो मुझे मिलेगा वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू अपॉन एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जेड वन अपॉन जेड टू इट मीन डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल गिव मी दिस आंसर। सो इसे और बेहतर समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज फोर माइनस थ्री है एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज सिक्स प्लस थ्री है। इफ आई वॉन्ट टू डिवाइड दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन आई विल राइट जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू फोर माइनस थ्री है अपॉन सिक्स प्लस थ्री है। तो जैसे मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में अगर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम न्यूमरेटर के नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे डिनोमिनेटर में रियल नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। उसी लिए मैं क्या करूँगा कि डिनोमिनेटर के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट को फाइंड करूँगा विच इज़ सिक्स माइनस थ्री है, और यहाँ पर मैं रैशनलाइज करूँगा यूजिंग दैट कॉन्जुगेट। तो रैशनलाइजेशन से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज सिक्स माइनस थ्री आई एंड सिक्स माइनस थ्री आई। सो अभी मुझे मिलेगा डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए इज सिक्स, सो सिक्स स्क्वायर इज थर्टी सिक्स एंड बी इज थ्री आई,
सो 3i² इज 9i². नेक्स्ट न्यूमरेटर में नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, 4 × 6 = 24, 4 × -3i दैट इज -12i, -3i × 6 दैट इज -18i, एंड -3i × -3i इज +9i². सो ये हो जाएगा 24 − 12i − 18i इज -30i, i² इज -1, सो -1 × 9 इज -9 अपॉन 36, अगेन i² इज -1, -1 × -9 इज +9, तो हमें मिल जाएगा 24 − 9 दैट इज 15, राइट। नेक्स्ट -30i अपॉन 36 + 9, यस इट इज 45। नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर में हमें रियल नंबर मिल गया, नाउ वी कैन डिवाइड न्यूमरेटर बाय दिस रियल नंबर। सो हमें मिल जाएगा 15/45 -30i/45, सो इट विल गिव मी यस 1/3 -2i/3, सो दिस इज द आंसर ऑफ डिवीजन ऑफ दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब अभी तक हमने अलजेब्रा देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें हमने चार प्रोसेसेस देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एंड डिवीजन। तो ये जो चार प्रोसेसेस हमने किए, ये चार प्रोसेसेस हमने परफॉर्म किए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इफ आई वॉन्ट टू फाइंड whether a complex number is greater than or less than other number, then how to find it, जिसको मैं कहता हूँ equality of complex number. So let's start with the next concept. सो अगर हमें जानना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन ग्रेटर है और कौन लेस है, इट मीन्स वेदर जेड वन इज़ ग्रेटर देन जेड टू और जेड वन इज़ लेस देन जेड टू, तो उसके लिए हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करते हैं। तो लेट से जेड वन इज़ इक्वल टू 4 − 3i एंड जेड टू इज़ इक्वल टू 6 + 3i। अभी आप देख सकते हो कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स हैं और सेकेंड भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स हैं। सो जैसे हम रियल नंबर्स में दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, व्हाई, बिकॉज वी कैन चेक वेदर अ नंबर इज ग्रेटर देन अदर नंबर और नॉट। सिमिलरली इन कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ व्हाई? बिकॉज इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी ऑलवेज हैव टू पार्ट्स, दैट इज रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। सो वी कैनॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन देयर ऑर्डर। इट मीन्स वी कांट से that one complex number is greater or less than other complex number. So in complex number, the only possibility is equality. It means we can find whether two complex numbers are equal or not equal. So इस केस में मैं कहूँगा कि z1 is not equal to z2. अभी ये मैंने कैसे decide किया? So equality का rule है, two complex numbers z1 and z2 are equal if and only if their real parts are equal and their imaginary parts are equal. It means if x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2. Now x1 is real part of first complex number and x2 is real part of second complex number. Similarly y1 and y2 are the imaginary part of both complex numbers. It means agar do complex number ke real part same hai और इमेजिनरी पार्ट भी सेम है, तो ही हम कहेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, अदरवाइज इट इज नॉट इक्वल। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेदर दे आर इक्वल और नॉट इक्वल। वी कैन नेवर से दैट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक रियल नंबर्स।